हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि चैक बोर्ड में जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे क्लास 9, 10, 11, 12, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके मॉडल सीट पेपर से कितने सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका मॉडल सीट पेपर से कितना परसेंटेज क्वेश्चन आ सकता है। मॉडल सीट पेपर पढ़ के क्या आप पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते? क्या मॉडल सीट पेपर आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, नहीं होने वाला है? इससे मन में आपके मन में जो भी डाउट है, सारे के सारे इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैक से संबंधित जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आए, चाहे कोई भी फॉर्म फिलअप से संबंधित हो, आपके एडमिट कार्ड संबंधित हो, एग्जाम रूटीन संबंधित हो, सेंटर संबंधित हो, कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल आप सभी बच्चों के मन में होगा कि मॉडल सेट पेपर से आपके कितने क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आप सभी बच्चे क्लास 9, 10, 11, 12 कभी भी मॉडल सेट पेपर के भरोसे मत रहिए। मॉडल सेट पेपर आपको क्या बताता है, आपने कभी सोचा है? मॉडल सेट पेपर आपको पैटर्न बताता है, तरीका बताता है, जरिया है, ठीक ना, कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको कभी भी डिट्टो देने वाला नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं आने वाला, कुछ क्वेश्चन फिक्स है कि आपके सारे के सारे आने वाले, फिक्स कभी नहीं होने वाले। कि अगर मैं आपको बोल दूं कि 40 में से आपके 30 क्वेश्चन मॉडल सेट पेपर से आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई अगर बता रहा है कि 40 में 40 30 क्वेश्चन यहाँ से मॉडल सेट पेपर से आएंगे, तो गलत बता रहा है। क्योंकि देखिए, मॉडल सेट पेपर से क्यों नहीं देगा क्वेश्चन, पहले आपने ये सोचा है? क्योंकि देखिए, मॉडल सेट पेपर के सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन तो आपको याद होंगे बस, एक बच्चों को क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो भी है, ठीक है, वो आप स्पेशल नहीं है, सारे के सारे बच्चों को 40 के 40 क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। ठीक है, तो उस बच्चे में जो टॉपर बच्चा है और जो, ठीक है, जिसका जो पढ़ने में कम तेज है, उसमें फिर फर्क क्या रह जाएगा? तो फिर दोनों में मार्क्स तो सेम ही आ जाएगा। तो फिर कोई फर्स्ट डिवीजन कैसे होगा, कोई सेकंड डिवीजन कैसे होगा, किस आधार पे हो? क्योंकि हमें तो सबको ओमेनशिप पे भरना है, तो कैसे होगा, आपने कभी सोचा है? तो देखिए, दोनों में अंतर क्या है, मॉडल सेट पेपर के भरोसा तो कभी मत रहिएगा। मॉडल सेट पेपर जरिया है, ठीक है, पैटर्न बताता है, ठीक है। मॉडल सेट पेपर कुछ क्वेश्चन आएंगे, हो सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं मॉडल सेट पेपर, ये बड़ी बात नहीं है। मेरे बोलने पे भी नहीं आने वाला है, किसी के बोलने पे भी नहीं आने वाला है कि मॉडल सेट पेपर एग्जैक्ट क्वेश्चन कितने आ सकते हैं। एक अनुमानित क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, कि आप मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 10 क्वेश्चन के लिए मान के चलिए कि वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा वो पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता, हो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रिपीट होगा, बाकी कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट होने वाला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सभी बच्चे मॉडल सेट पेपर भरोसे मत रहिए। आपका मॉडल सेट पेपर से मान के चलिए कि 50% से कम ही आपका क्वेश्चन वहां पर एग्जामिनेशन बनने वाला है। क्योंकि देखिए, कुछ भी क्वेश्चन है वो फिक्स है। जैसे आप कभी भी मान के चलिए, अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो एसआई यूनिट वाले सवाल क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, तो वो तो पूछेगा ही, उसमें आप नहीं बदल सकते, ना ही मैं बदल, वो सवाल तो पूछने ही वाले हैं, वो सवाल फिक्स्ड क्वेश्चन माने। लेकिन आप बोलिएगा अगर मैथ सब्जेक्ट में कि ये डिटो सवाल आएगा, ये किताब से, ये किताब से, तो कोई फिक्स नहीं है कि आने वाला ही आपका। तो आप सभी बच्चे मॉडल सेट पेपर भरोसे मत रहिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मॉडल सेट पेपर भरोसे रहिएगा तो आपका फिर कल्याण अच्छे से हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे मॉडल सेट पेपर सॉल्व करिए, मॉडल सेट पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जो भी गेस्ट पेपर आया है, आपको जो लगता है, ठीक है, शर्मा हो, वर्मा हो, गोल्डन हो, अलका प्रकाशन हो, ठीक है, जो भी कंपनी का आता है, मुझे नाम नहीं पता, तो आप सभी बच्चे गेस्ट पेपर सॉल्व करिए। गेस्ट पेपर नहीं आता, पीडीएफ है किसी ले लीजिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करके आप तरीका सीखिए, तरीका सीखिएगा तो बाकी आपके लिए आज जैकपॉट है। आप बाकी कभी भी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठिएगा, जैक के हो, ठीक है, आपके जनरल कॉम्पिटिशन के होने वाले हैं, ठीक है, आईटीआई के एग्जामिनेशन, आईआईटी का बैठिए, तो आप खुद से सॉल्व करना सीखिए तो ना ज्यादा बेटर है आप सभी बच्चों के लिए। तो ये ज्यादा बेटर है कि आप सभी बच्चे मॉडल टेस्ट पेपर के भरोसे मत रहिए, मत रहिए, मत रहिए। क्वेश्चन आएंगे उसमें से, उसको तो आपको याद करना ही करना है। जो भी गेस्ट पेपर आपके पास है, आपको लगता है, आपको कोई भी रिकमेंडेड करता है, मैं किसी भी आपको गेस्ट पेपर रिकमेंडेड नहीं करूंगा, सभी गेस्ट पेपर अच्छे हैं, जिन्होंने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड लिखा हुआ है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस पढ़ के जाइएगा तो वो ज्यादा आपके बेनिफिशियल है। जो भी आपका नोट्स है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएगा, मैं आपको बताता हूँ। आप जहां भी पढ़ते हैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, छोटे इंस्टीट्यूट पढ़ते तो सब आपको जो ज्ञान देगा वही ज्ञान आपका काम देने वाला है, जो आपने खुद से सीखा है वही आपका एग्जामिनेशन में काम देने वाला है। तो देखिए, ये थी मॉडल सेट पेपर, समझना कि आपका 50 से मान के चलिए, ठीक है, 50% आपका जो है वो या में भिड़ सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि 50% ही क्वेश्चन आ ही जाएगा।
हो सकता है ज्यादा भी आ सकता है, हो सकता है कम भी आ सकता है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप ये बात में बोलिएगा सर ने ऐसा बोला था, देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि जैक मेरा तो नहीं है कि मेरे बोलने से जैक चलेगा, चाहे किसी यूट्यूबर के बोलने से नहीं चलने वाला। तो आप सभी साथ चाहता है मॉडरेटर्स पे भरोसे मत रहिएगा कभी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ऐसा मत करिएगा, ऐसा करिएगा आप खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। आपको लगता है तो आप भरोसा करके जाइए मॉडल टेस्ट पेपर से, दीजिए एग्जाम। हो सकता है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस मॉडल टेस्ट पेपर में आ जाए, तो क्या जरूरी है कि सेकंड टर्म में आपका आ ही जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिन करें वो बेटर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा तभी आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं आपको बता देता हूँ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2014 तक के, 2014 से क्वेश्चन उठाइए, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिएगा तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन लेवल क्या है, ठीक है। और ये टिप क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, आपको तो बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट है सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा मत करने जाइएगा। तो इस तरह का देखिए आप मॉडल सीट पर भरोसे मत रहिएगा और अपना एग्जाम में मार्क्स क्या है जो स्कोर आप इसी तरह बढ़ पाएगा। तो आशा करता हूं कि मैं आपके मन में जो भी मॉडल सेट पर संबंधित डाउट है क्लियर कर पाऊंगा उस वीडियो में। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक आप सभी साथ साथ मैं याद